ओके okay, सो so मेरे पास uh, आपके पास दो मिनट हैं जल्दी जल्दी जो बोलना है आप मैं, मैं, मैं तीस सेकंड भी नहीं लूंगा ओके okay. जी तो पहला पहला पॉइंट आपने जो रेज किया था वो ये था कि हमारे लड़के जो है वो जी गो, गोरी औरतों से जो है वो सेक्स मांगते हैं जी और उसकी एक वजह ये है कि हमारे कल्चर में गोरे रंग को काले रंग से बेहतर समझा जाता है अगर इसी कनेडियन बीच पे आधी औरतें गोरी होंगी और आधी काली होंगी तो हमारे लड़के कभी काली औरतों के पास नहीं जाएंगे नहीं गलत बात ना 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 वो उनके पास भी जाते हैं नहीं मैं ये बताऊं थिंकिंग क्या है गोरे काली के तो है अच्छा। गोरे रंग से तो हमको बहुत वो है हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स बहुत है मेरे अंदर भी होता था मैं हालांकि मेरा रंग बहुत गोरा है कंसीडरिंग कि मैं पाकिस्तान से हूँ मगर जब हम पाकिस्तान में होते हैं ना तो हम सूरज में नहीं निकलते थे वो रंग काला हो जाएगा जब हम यहाँ मूव हुए ना यहाँ तो हम बैठ के टैनिंग लेते हैं कि भाई देखो आजकल मेरा रंग बहुत जो है डार्क हुआ हुआ है बात ये नहीं है बात ये होती है कि हमारे दिमाग में एक चीज दी होती है कि गोरी लड़कियां या काली लड़कियां भी जो हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहन रही होती है ना मर्दों की थिंकिंग ये है कि औरत ने छोटे कपड़े पहने हुए हैं तो वो सेक्सी ऑफर कर रही होगी वो ये नहीं समझते हैं कि हमने अपने कंफर्ट के लिए वो कपड़े पहने हुए हैं छोटे कपड़ों में लड़की होगी उसका कैरेक्टर खराब होगा और वो आसान होगी ये थिंकिंग होती है अच्छा दूसरा एक मेरे पास क्वेश्चन है आपके लिए जी कि क्या क्या कभी औरतों को जो है और लड़कियों को आदमियों को रेप करने की डिजायर नहीं होती नहीं हुए हैं केसेस हुए हैं ऐसे केसेस जहाँ पे औरतों ने भी ये किया है मगर बहुत कम होते हैं अब आप खुद ही देखें ना कि प्रोस्टिट्यूट उठा लो आप तो ज्यादातर आपको फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स मिलेंगी मेल्स भी हैं मैं नहीं कहती मेल नहीं है क्योंकि गेस हैं लोग उनके पास जाते हैं मेल यू you नो know, अब यहां पर अगर आपको छह सात फीमेल स्ट्रिप क्लब्स मिलेंगे तो आपको एक मेल स्ट्रिप क्लब मिलेगा जहां पे औरतें जाएंगी और मैं बता रही हूं कि औरतें वहां पर जाकर पागल हो जाती हैं जो मैंने जानती हूँ ना मैं उनको जो लड़के जो यहाँ पे स्ट्रिप क्लब्स में काम करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम लोग लड़कों के लिए डांस करना ज्यादा प्रेफर करते हैं हालांकि वो बंदा स्ट्रेट ही क्यों ना हो मैं एक बंदे को जानती थी वो स्ट्रेट था वो कहता था मैं गेज के लिए डांस करता हूँ मैं लड़कियों के लिए नहीं वो बहुत वायरल वो हो जाती है ग्रैबिंग ये वो नहीं औरतें भी हैं ठरक तो सबके अंदर है ना हर खर किसी के अंदर होती है मगर हाँ औरतों में ये है कि हम लोग के अंदर कंट्रोल ज्यादा होता है अब अगर कोई खूबसूरत सा बंदा जा रहा होगा मैं देखूंगी जरूर उसको मगर मैं जाके उसको लिपक नहीं दूंगी या मैं उसके जाके उसका डिंग नहीं पकड़ लूंगी मगर, मगर क्या तो है इट्स जस्ट नेचुरल दैट्स हाउ वी आर आई गेस औरतों में कंट्रोल ज्यादा होता है आई डोंट नो हम लोगों के अंदर कंट्रोल ज्यादा है आई गेस नहीं करती है यार हुए, मैं नहीं कहती कि हुए नहीं है बहुत कम है मर्द हमेशा डोमिनेंट रहा है इस चीज पे और औरत को हमेशा जो है दबा के रखा गया है तो आई आई कि इसके पीछे क्या है वजह थैंक यू बस थैंक यू सो मच ओके